रेलवे में इस समय चुनावी हलचल बढ़ने लगी है। दिसंबर में यूनियन के सीक्रेट बैलेंस चुनाव होंगे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ ने मीडिया से बात करते हुए ऐतिहासिक जीत का दावा किया। इसके लिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ ने अपनी उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा। आगरा मंडल में रेलवे इंस्टीट्यूट के या ECC चुनाव दो बार हुए, जिसमें इस बार हम लोगों ने जो 2024 में एक रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया, उससे हमें विश्वास हुआ और हमारे विश्वास को संबल पहुंचा कि हम लोग जो कर्मचारियों के हित में कार्य कर रहे हैं, उनको कर्मचारियों ने स्वीकारा है और समझा भी है कि यही एक एकमात्र संगठन है जो हमारी हितों की और हमारे अधिकारियों की रक्षा अधिकारों की रक्षा करता है। और वो हमारा कर्मचारी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि इन चुनावों में हमारे को पिछले साल से जो चुनाव वोट प्रतिशत मिला था उससे ज़्यादा हमको लाके देगा। और हमारा संगठन न केवल आगरा में बल्कि प्रयागराज मंडल और झांसी मंडल तीनों डिवीज़न में मिला के NCR में नंबर एक उद्योग एक यूनियन का जो हमारे महामंत्री श्री RP सिंह साहब का नारा है उसको सचित्र करेगा, कृतार्थ करेगा। अब की बार हमारा पिछले से भी ज़्यादा रिकॉर्ड टूटेगा। पिछली बार में जो चुनाव हुए थे पूरे इंडियन रेलवे में आगरा मंडल सबसे हाईएस्ट प्रतिशत पे था। अब की बार हमें उम्मीद है कि पिछली बार से अब की बार जो लोगों का झुकाव है, वर्किंग हमारे कार्यकर्ताओं का झुकाव है, सबसे व्यवहारिकता से बात करने का समय, सबसे बड़ी बात यह है ये NCRES एक ऐसा परिवार है जिसमें सारी चीज़ें सभ्यता के दायरे में, व्यवहारिक दायरे में, अधिकारी भी हमको लायक करते हैं, अधिकारी भी हमारी बातों को सुनते हैं। छोटी मोटी बातें होती हैं तो उनको अधिकारी हमारे फ़ोनों पर ही कर देते हैं, कई मुद्दे ऐसे आते हैं। इसलिए NCRES में कितना प्रतिशत आप लोगों को 2013 में हमको 59% आगरा मंडल में मिला था, लेकिन हमें अभी की बार उम्मीद है कि हम 65-67% पर जाएंगे।